सारे हक ले लें क्या? मेरे परिवारजनों, मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं और फिर आज दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, न उनको पूछा जाता है, न वो ये सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं। अब तो कांग्रेस को आउटसोर्स कर दिया गया है, कांग्रेस को अब ऐसे लोग चला रहे हैं, पर्दे के पीछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं, ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है, कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है, और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। आज तक कांग्रेस ने यह खुलासा नहीं किया है कि कांग्रेस ने एक दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझौता किया है, लेकिन देश देख रहा है इस समझौते के बाद कांग्रेस और ज्यादा भारत की बुराई करने में मजा आने लगी है, भारत के अच्छी बातों को बुरी तरह पेश करने में मजा आ रही है। ऐसा लगता है जैसे उनका भारत का प्रेम ही कम होता जा रहा है। मैं सभी देशवासियों आपको आगाह करता हूं, कांग्रेस और उसके सहयोगियों की इस नई साजिश, हमें सतर्क रहना चाहिए। और अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है, इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के दशकों के शासन ने देश को सिर्फ गरीबी दी है, कांग्रेस ने समाज को जाति के आधार पर बांटने का ही काम किया है ताकि इनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। कांग्रेस आज भी इसी काम में जुटी है, आज भी यहां छत्तीसगढ़ में अलग अलग समाज अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार साजिश के तहत उन्हें जेल में डाल देती है, उनकी आवाज को दबाने में जुटी है। दूसरी तरफ भाजपा सरकार सामाजिक न्याय के लिए पूरी तरह समर्पित है। हाल में ही संसद में महरा महरा समाज को एससी वर्ग का दर्जा दिया गया है। इस समाज की यह मांग भाजपा सरकार ने पूरी की है। वर्षों तक अपने अधिकारों से वंचित रहे आवारा आदिवासी वर्गों को एससी का दर्जा देकर भाजपा सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, यानी जिनकी सूद कांग्रेस ने कभी नहीं ली उनको हक देने में भाजपा हमेशा आगे रही है। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। कांग्रेस ने महिलाओं को भी दशकों तक आरक्षण के बिना धोखे में रखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आदिवासी बेटी हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हस्ताक्षर से कानून बन गया है। अब यहां के एससी एसटी समाज सहित सभी बहनों के लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% सीटें आरक्षित हो गई है। इसलिए कांग्रेस के कुशासन को हटाना है और भाजपा के सुशासन को लाना है।
इसलिए पूरे बस्तर को, जगदलपुर को, छत्तीसगढ़ को आज एक संकल्प लेना है, यहां कांग्रेस के कुशासन को हटाएंगे और